थैलीसीमिया खून की वो बीमारी है जिसका मरीज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक जिंदा रह सकता है जब तक उसको खून मिलता रहे। पेशेंट एंड पेरेंट्स की एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां वो बात कर सकें, जहां वो बोल सकें। पाकिस्तान में कम से कम भी 2 लाख थैलेसीमिया के मेजर पेशेंट्स मौजूद हैं। थैलेसीमिया डे के ऊपर मैं आपको ये बता दूंगी, थैलेसीमिया जो ये ब्लड की जो बीमारी है वो पाकिस्तान में रोज़ बरोज उसमें इजाफा ही हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रही है। थैलीसीमिया खून की वो बीमारी है जिसका मरीज़ सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक ज़िंदा रह सकता है जब तक उसको खून मिलता रहे। ये मौरसी बीमारी है जिसके ऊपर बदकिस्मती से पाकिस्तान में बात नहीं होती है। और इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में कम से कम भी 2 लाख थैलीसीमिया के मेजर पेशेंट्स मौजूद हैं, जबकि जो हमारी पूरी आबादी है उसके 6% जो हैं वो थैलीसीमिया के माइनर्स या कैरियर्स जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। और ये सूरत हाल इस कदर संगीन होती जा रही है कि 2025 में अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में थैलीसीमिया के कम अज़ कम जो माइनर होंगे या कैरियर्स होंगे वो कम से कम भी 1.5 करोड़ होंगे। और इस बीमारी के जो मरीज़ हैं उनको हुकूमत की तरफ से इस कदर गैर संजीदगी का सामना क्यों है, और इस पर हमारी जो सेहत को लेकर प्रायोरिटीज़ हैं उसमें थैलेसीमिक पेशेंट्स भी कहीं नज़र नहीं आते हैं। और फैमिली की डायरी में 8 मई स्पेशल मेरे साथ इस वक्त मौजूद होंगी थैलेसीमिया से लड़ने वाली एक बहुत ही बहादुर खातून, और मैं उनसे पूछूंगी, आयशा से ही पूछूंगी मैं ये कि आयशा क्या करती हैं और आगे क्या करना चाहती हैं। तो फैमिदा की डायरी में आज मौजूद होंगी मेरे साथ आयशा महमूद। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि आप थैलेसीमिक पेशेंट हैं। बिल्कुल। और ये मुझे बताइए कि ये आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है फेथ जी, इसका क्या मतलब है, क्या है ये? मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है ये मौका दिया, और आज मैं 8 की वजह से तो बहुत ही अच्छा रहा। तो फेथ क्या है? फेथ एक पेशेंट एंड पेरेंट्स की सोसाइटी है। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि प्रायोरिटीज़ नहीं है थैलेसीमिया, और हमें जो वो ड्यू अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये हमें लगता था कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक कोई ऐसा एलिमेंट है जो मिसिंग है। पेशेंट एंड पेरेंट्स की एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ वो बात कर सकें, जहाँ वो बोल सकें, जहाँ उनकी सुनी जा सके और सॉल्यूशंस निकाले जा सकें। तो ये एक शुरू तो आगाही से हुई थी, लेकिन ये टर्न होते होते अब ये पेशेंट एंड पेरेंट्स की सोसाइटी बन चुकी है जो कि पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स को लेके चल रही है, और उन्हें मुहैया करती है डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और मेडिसिन, और जो है वो अपना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे लेना है और क्या उनका होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जो थैलेसीमिक पेशेंट होते हैं वो जो है उनको इमोशनल सपोर्ट का कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास आगे ही नहीं होती है और एकदम से वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे इसके बारे में, तो आप मुझे ये बताइए कि इमोशनल सपोर्ट कितना जो है इसमें काउंट होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उस तरह अवेयरनेस है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा काउंट होता है इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि मुझे, मैं कहूँगी कि अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को कैरी कर रही हूँ, तो इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है।
सिर्फ एक फाइनेंशियली नहीं, आपको जो मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको जो इमोशनली सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम पेरेंट्स एंड पेशेंट्स में काउंसलिंग करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप इनको अल्लाह ना करें अपनी फैमिली का नाकारा हिस्सा तस्वर ना करें, क्योंकि जब एक बीमारी आ जाती है तो कहा जाता है ओह क्या होगा अब, इनकी लाइफ क्या है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती सी के साथ डॉक्टर ये बातें इनके जहनों में बिठा देते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये बेड पे पड़े रहेंगे और आप इनको तालीम का बोझ भी मत डालिएगा, ये 12 से 13 साल ज़िंदा रहेंगे। तो उस टाइम पे फिर माँ बाप की वो चेंजेस, दिमाग की और चेंजेस आ जाती हैं कि जी ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, उनकी प्रायोरिटीज़ फिर अपने नॉर्मल दूसरे बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे नहीं रहते बीमार, उलझा रहे हैं, उनको ब्लड लगा रहे हैं, उनकी लाइफ जैसे तैसे मतलब खींच रहे हैं। तो हमारी ये होती है काउंसलिंग के अंदर कि नहीं, ये वो बच्चे हैं जो हो सकता है कि आपके नॉर्मल बच्चों को भी पीछे छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो केसेस हैं वो ये हैं कि लॉयर्स भी बन चुके हैं और डॉक्टर्स भी बन चुके हैं, तो डेफिनेटली एक जो इमोशनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि इंटर फैमिली मैरिजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो थैलेसीमिक पेशेंट के लिए काउंट होता है कि थैलेसीमिया कैरियर्स जो हैं वो होते हैं, मेजर माइनर, माइनर माइनर, मेजर मेजर, तो ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हुकूमती सतह पे इसके ऊपर आगाही बहुत ज़रूरी है। अभी जितने इदारे हैं ना उनका एक वो जो है प्रिवेंशन पे बजट होता है उनका, वो सालाना उस पर काम भी कर रहे होते हैं, अपने जो उनके पेशेंट एंड पेरेंट्स जो सेंटर पर आ रहे होते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, उनको काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है हम उसे भी काउंसिल करते हैं कि आपके जो जितने भी कज़न्स अब शादियाँ कर रहे हैं आप उन्हें अवेयर करो कि प्लीज़ एक शादी से पहले टेस्ट करा लो। और इंटर फैमिली मैरिजेस के लिए हम मना नहीं करते, पहले हम पे ये तक भी कहा गया कि आप लोग जब बात करते हैं तो बड़ा आसान है ना कि शादी ना करें, इंटर फैमिली मैरिजेस ना करें, तो यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं, लड़कियों को तो वैसे ही शादियों के मसले हैं। तो हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ना करें आप फैमिली में शादी ना करें, आप फैमिली में शादी करें लेकिन टेस्ट तो करा लें। और यहाँ पर आयशा की बात को मैं बढ़ाते हुए जो नाज़रीन है ज़िंदगी के, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने प्लेटफॉर्म से कि जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शादी से पहले, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप अपने बेटे का और अपनी बेटी का एक जो है वो टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें, ब्लड टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये आपकी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है, बजाय इसके कि आपकी आने वाली नस्लें सफ़र करें, बेहतर है कि आप पहले से एक प्रिकॉशन ले लें। अच्छा आयशा, ये बताइए थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं ब्लड उनके लिए ज़रूरी, बेतहाशा ज़रूरी, ब्लड के बगैर तो उनका सर्वाइवल नहीं है, मेडिसिन का क्या होता है? लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि यहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है और अच्छे लोगों से दुनिया खाली नहीं है। तो 99% जो है वो हमारे जो थैलेसीमिया सेंटर्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे होते हैं। और जो हमने पहले भी जिक्र किया कि जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा गरीब घराने से होते हैं, तो उनके लिए ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है कि चलें ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो फ्री हो गया। लेकिन हर सेंटर के एक महदूद वसाइल हैं, उसमें ये जो दवाइयाँ होती हैं जो हमें बहुत लाजमी लेनी है, सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन के तौर पे हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते कि हम गए और हमने ब्लड लगा लिया। अब वो जो हम मज़ीद ब्लड लगाए जा रहे हैं उससे हमारा फौलाद बढ़ रहा है जिस्म के अंदर। अगर एक इंसान के अंदर सिर्फ 150 नैनोग्राम होता है तो हमारे में जो है वो 2000 से लेके 10000 और 15000 तक चला जाता है, जिसे निकालने के लिए हमें महंगी अद्वियात की ज़रूरत होती है, जिन्हें आयरन किलेटर्स कहते हैं। अब आयरन किलेटर्स इतने महंगे हैं वो 10000 से लेके 50000 तक भी जा सकते हैं। जिस इंसान की सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही 20000 है वो अपने बच्चे को या तो खाना खिलाएगा या वो मेडिसिन खिलाएगा। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जगहों पे जो गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बैतुल माल के थ्रू दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। और जो सेंटर्स प्रोवाइड करता है उसका बजट कम है, तो वो डोज के तौर पर पूरा जो एक डोज होता है वो नहीं दे पाता, नहीं दे पाता। तो अब ये होता है कि जब वो बच्चे हमें अप्रोच करते हैं तो फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली सर्कल्स, सोशल मीडिया के थ्रू हम उन्हें स्पॉन्सर्स करते हैं, तो वो ये होता है कि एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं कि उन्हें महाना डोज उन्हें मिलता रहे
और उनकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहे। मतलब आप ये कह रही हैं कि हुकूमती सतह पर हाँ। और यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि सूबाई सतह पर और जो है फेडरल लेवल पर थैलेसीमिया को या थैलेसीमिक पेशेंट को उस तरह से जो है अवेयरनेस उनके बारे में नहीं है या उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता जितना कि जो है वो लेना चाहिए। अगर इस टाइम पे अगर हम पाकिस्तान पे ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास इस टाइम पे पेशेंट मौजूद कितना है पाकिस्तान के अंदर। हम एक अंदाजे के तौर पे चले जा रहे हैं काफ़ी पिछले बहुत सालों से कि हर साल पहले का डेटा मैंने देखा। हाँ नहीं, और वो डेटा भी कॉन्क्रीट और सॉलिड नहीं है, कोई उसकी वो हाँ बैक के वो नहीं कर सकता आपको ना, वो प्रूव नहीं कर सकता। 5 से 6 हज़ार हर साल पेशेंट आ रहे हैं, 5 से 6 हज़ार पेशेंट आ रहे हैं और हम लाख पे खड़े हैं, सॉरी लेकिन ये कुछ मानने वाली बात नहीं है ना। 5 से 6 हज़ार वो पेशेंट आ रहा है तो वो जा कहाँ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एंटर होना चाहिए। जहाँ गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे अगर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊँ ना, DHQ THQ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इनके ब्लड बैंक्स होते हैं। एक आम इंसान, मैं तो थैलेसीमिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, एक आम इंसान के बारे में भी बात करूँ तो वो वहाँ गली मोहल्ले का जो बंदा है वो DHQ THQ उसको अप्रोच करता है। इवन अगर डिलीवरी केसेस हैं, ट्रॉमा केसेस हैं या कोई भी केसेस हैं, वहाँ ब्लड की नीड होती है, वो ब्लड बैंक्स आप जाके विज़िट करें। गवर्नमेंट की उस तरफ नज़र नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्या है। वो सारे कदीमा वाले ब्लड बैंक्स हैं, ना वहाँ प्रॉपर स्टाफ है, ना वहाँ प्रॉपर मशीन्स हैं। अब मैं यहाँ थैलेसीमिया की बात करती हूँ कि हमें प्रॉपर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, सिर्फ RBC चाहिए, रेड ब्लड सेल। वहाँ तो एक बहुत बड़ी तादाद आम पब्लिक की भी जा रही है, जिसे एक्सीडेंट केस भी है, जिसका डिलीवरी केस भी है, ना वहाँ स्क्रीनिंग का पता है, ना वहाँ कंपोनेंट मेकिंग का पता है। तो ये प्रायोरिटीज़ किस चीज़ पर है, और थैलेसीमिया पे तो नहीं है, सॉरी थैलेसीमिया पे नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, और ये बताइए कि प्रायोरिटी नहीं है, थैलेसीमिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियों का वैसे ही सामना करना पड़ता है, और जो है उनकी लाइफ सर्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड पे डिपेंड कर रही है, और इतनी मतलब लाइक आपको एक बहुत क्योर करके उनको चलना पड़ता है। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी, ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है वो सब कुछ लॉकडाउन, और उसमें जो है वो सब स्कूल कॉलेजेस बंद, तो और ब्लड डोनेशंस सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों के लिए थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए किस कदर ये प्रॉब्लमेटिक रहा? जब कोविड का जब ब्रेकआउट हुआ था तो एक तो वैसे ही टू बी वेरी फ्रेंक, हमें इस टाइम पे तकरीबन 2 लाख बोतलों की महाना ज़रूरत है। 2 लाख बोतलों की पाकिस्तान में या कराची में? नहीं, पूरे पाकिस्तान में महाना एक अंदाज़ा है, अगर 1 लाख पेशेंट है तो उसे 2 लाख बोतलें तो चाहिए, 2 लाख बोतलों की ज़रूरत, क्योंकि हर 15 दिन में उसे ट्रांसफ्यूजन चाहिए। हमारे यहाँ रजाकाराना ब्लड डोनेशन वैसे ही कम है, लोग डरते हैं, और या फिर ये कि वो एक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, मेथ्स हैं कि यार बीमार हो जाएंगे और इस तरह से बातें करते हैं, तो ब्लड डोनेशन वैसे ही कम है। और जब कोविड हुआ तो लॉकडाउन की वजह से तो जो बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन का जो एक इकट्ठा किया जाता है वो स्कूल कॉलेजेस वर्कशॉप्स होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, यहाँ से किया जाता है। तो एकदम जब लॉकडाउन हुआ तो ये सारे जो प्लान्ड हुए हुए कैंप्स होते हैं, ब्लड कैंप्स जो लग रहे होते हैं, वो सब कैंसिल हुए, और कोई आपको दे ही नहीं सकता था उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि लोग हॉस्पिटल जाते हुए भी डर रहे थे कि हमें कोविड हो सकता है, और फिर उसके बाद वही बात कि ब्लड डोनेशन देते हुए हो सकता है मे बी, तो ये बहुत सारे जो है वो मिसकॉन्सेप्शन आ रहे थे और बहुत सारे सवाल भी थे। तो उसमें कोई जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिली और अवेयरनेस नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फेथ ने अपने जो है वो पेशेंट पेरेंट्स के थ्रू वीडियो जो हमारे पैगाम थे वो जारी किए, और वो इतने अल्हम्दुलिल्लाह जारी हुए कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने जो है वो उसको पिक किया, एंड देन जो है वो इस तरह से वो अटेंशन गेन होती गई कि गवर्नर साहब ने और फिर हमारी जो इस्लामी तंजीम है दावत इस्लामी, इन सब ने उसको गेन किया कि ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इनके ब्लड कैंप्स कैंसिल हुए हैं, इनकी सर्वाइवल इन पर है, ये कैसे सर्वाइव करेंगे। एंड दैट इज़ हाउ एक जनरल पब्लिक ने भी हमें बहुत ज़्यादा अप्रोच किया कि हम देना चाहते हैं, आप हमें तरीका बताएं। अच्छा, और ये बताइए आयशा मुझे कि अब कोविड वैक्सीनेशन आ गई है, और जो है थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन
जो है वो कितनी ज़रूरी है, आम आदमी से थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए? इम्यून सिस्टम तो वैसे हमारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक आम इंसान को ज़रूरी है और लगानी चाहिए। जो लोग अगर प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली लगाएं, और जो नहीं कर सकते वो अपनी एज ब्रैकेट जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती जा रही है उसका वेट करते हुए लगाएं, लेकिन लाजमी लगाएं, लाजमी लगाएं। अच्छा, और आप जो है वो थैलेसीमिया पेशेंट के जो के जो मतलब पेरेंट्स हैं उनको मतलब क्या कोई मैसेज देंगी कि भाई किस तरह से तुम जो है उनको हैंडल करो या क्या करो? पहले तो ये कि उनको बिल्कुल नॉर्मली डील करें। खुदा ना खास्ता को ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आपके दूसरे बच्चों को लग जाएगी, तो ये है कि आप उनको नॉर्मली डील करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं। अगर वो पढ़ना नहीं चाहते उन्हें कोई हुनर सिखाएं, लेकिन आप उन्हें एक स्किलफुल एक पर्सन बनाएं कि वो कल को अपनी लाइफ आगे कैरी ऑन कर सकें। अल्लाह ना करे वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो ऑलरेडी ब्लड पे डिपेंडेंट हैं। हाँ, पेशेंटली आपको उनको लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो पेशेंट है उसको क्योंकि जो है वो डिपेंड करता है कि जो है वो 15 दिन पर किसी को लगना है ब्लड, किसी को 10 दिन पर लगना है, किसी को 21 दिन पर लगना है, लेकिन ये है कि लगना है, लगना है। और ये कि लाइफ साइकिल जितना भी है अल्लाह ताला की तरफ से जितना भी दिया गया है उसमें आपने उसको पूरा प्रॉपरली सपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, एक तो ये कि उनकी हेमोग्लोबिन मेंटेन करें और उनका आयरन किलेशन पे फोकस करें। अगर उनका फेरेटिन 1000 के अंदर और हेमोग्लोबिन 8 से 9, 10 तक रखें तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है और वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा आयशा, और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो है वो गवर्नमेंट के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के थ्रू, के जो है वो आप ये सुने, आपका ये जो कॉज है इतना बड़ा जिसमें आप पेशेंट्स को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को लेकर आ रही हैं, चल रही हैं, करने की कोशिश कर रही हैं अपनी महदूद कैपेसिटी में जो भी कर पा रही हैं पूरे पाकिस्तान में। आपके लिए ऑब्वियसली आप खुद पेशेंट हैं और आपके लिए सफ़र करना भी इतना आसान नहीं है, और तो आप गवर्नमेंट से कोई हमारे प्रोग्राम के थ्रू कुछ कहना चाहें? दो तीन बातें हैं जो मैं करना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हम थैलेसीमिया स्टैट्स जो हमारी रजिस्ट्री है उस पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम गवर्नमेंट करवा सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास थैलेसीमिया की नेशनल पॉलिसी नहीं है, दीगर बिल्कुल नहीं है। दीगर ममालिक के अंदर जब हम देखते हैं तो एक पॉलिसी होती है जिसके तहत उन्हें ट्रीटमेंट मिल रही होती है और फिर उसके ऊपर स्ट्रेटजीज बनती हैं कि कहाँ कहाँ लेक कर रहे हैं हम उसको ओवरकम कर सकें। और फिर इसके बाद एडवोकेसी ग्रुप, दीगर ममालिक के अंदर अगर आप देखते हैं तो पेशेंट के एडवोकेसी ग्रुप बने हुए हैं जो डॉक्टर्स से लेके पेशेंट, पेरेंट्स और जो इदारे चला रहे होते हैं उन सबको लेके गवर्नमेंट प्लान्स बना रही होती है, उनकी सुनती है और उनके सॉल्यूशन निकालती है। तो ये भी हमारे पास नहीं है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम हर वक्त हाजिर हैं। हम पेशेंट एंड पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे लिए काम हो, गवर्नमेंट हमें सुने और प्लीज़ इन मसाइल को, क्योंकि बहुत मसाइल हैं। सिंध में बैठा हुआ बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए परेशान है, बलूचिस्तान में बैठा हुआ बच्चा दवाइयों के लिए परेशान है। हमें रोज़ इतनी कॉल्स आती हैं, हम अपनी महदूद कैपेसिटी के अंदर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फैमिली की डायरी में आपने आयशा महमूद की बातें सुनी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर। मेरे साथ इस वक्त जो है थैलेसीमिया पेशेंट आयशा महमूद, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन फेथ जो है वो थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए काम करती है और उनका गिला जो है वो हुकूमत से है, उनका बहुत जायज़ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर और हमारे जो साहिब इक्तदार और इख्तियार हैं वो शायद अपनी आपस की लड़ाइयों और आपस की सियासतों में जो ये पेशेंट्स हैं उनको शायद कहीं ना कहीं याद रख लें और जो है इस बारे में भी सोचना शुरू करें। क्योंकि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि थैलेसीमिया जो ये ब्लड की जो बीमारी है वो पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा ही हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रही है हमारे पास। तो फैमिली की डायरी में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे और देखते रहेंगे ज़िंदगी।